अब तक हमने ये देखा कि अगर कहीं पर जो है दो लाइक चार्जेज हो तो फिर वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर अनलाइक चार्जेज हो तो फिर वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि अगर कहीं पर जो है दो चार्जेज हो तो फिर उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है जिसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसे हम पता करने के लिए यूज करते हैं कूलॉम्स लॉ। ये जो कूलॉम्स लॉ है, इसे पहली बार एक्सप्लेन किया था एक फ्रेंच फिजिसिस्ट जो कि थे चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम ने। हम कूलॉम्स लॉ से जो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है दो चार्जेज के बीच में, उसके मैग्नीट्यूड को पता कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यहां पर ये हो गया एक पॉजिटिव चार्ज और यहां पर ये हो गया एक और पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखें कि ये दोनों पॉइंट चार्जेज हैं। सो पॉइंट चार्जेज का मतलब मैं थोड़ी देर बाद इस पर डिस्कस करूंगा। तो यहां पर ये जो चार्ज है ये प्लस क्यू वन, ये प्लस क्यू वन, और यहां पर ये जो है ये है, मान लेते हैं कि यह है प्लस क्यू टू। अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि दोनों जो चार्जेज हैं ये पॉइंट चार्ज हैं। देखिए पॉइंट चार्ज का कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं है। जैसे कि मान लें कि यहां पर ये एक बॉडी है और यहां पर ये एक और बॉडी है, दोनों चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है और ये भी चार्ज बॉडी है। तो इनका जो शेप है वो अगर आप ध्यान से देखें तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है इससे काफी ज्यादा है। तो हम इस तरह के केस में हम इन्हें पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज होने के लिए होना यह है कि इसका जो शेप है वो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल होना है, बहुत कम होना है, तब जाकर के हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो अगर हम इसे दूर लेके चले जाते हैं तो आप देखें कि बीच का ये रहा डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस के कंपेयर में इन दोनों बॉडी का, इन दोनों चार्ज बॉडी का जो शेप है, जो आकार है, वो कम है। तो इस तरह के केस में हम कहेंगे कि ये दोनों जो है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां पर हम ये मान रहे हैं कि देखें तो यहां पर इनका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसके कंपेयर में इनका जो शेप है इस चार्ज बॉडी का वो बहुत कम है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज है। अब यहां पर इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, चलिए हमने ये मान लिया कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ये है स्मॉल लेटर आर मान लेते हैं। ये हो गया दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, लाइक चार्ज हैं, तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। अभी अगर ये Q1 जो है इस Q2 को इस डायरेक्शन में जो है फोर्स F से जो है धकेल रहा है इस डायरेक्शन में, चलिए यहां पर ये जो फोर्स है ये है F, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से ये जो Q2 है ये अभी Q1 पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। सो यहां पर ये जो फोर्स है ये भी होगा F। अब अगर आप यहां पर ये जो चार्ज Q1 है, इस चार्ज Q1 को अगर आप बढ़ाते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये भी बढ़ जाएगा। अब अगर आप यहां पर ये जो Q1 है इसे कम कर देते हैं, इसे आप घटा देते हैं, तो आप ये पाएंगे कि ये जो फोर्स है यह भी कम हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो फोर्स है ये Q1 पर प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स है, फोर्स ये प्रोपोर्शनल है किसके, ये Q1 के प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप यहां पर ये जो Q2 है इसे बढ़ाते हैं, इसे अगर आप बढ़ाते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो फोर्स है ये फोर्स भी बढ़ जाएगा। और अगर आप Q2 को जो है घटाते हैं, अगर आप Q2 को घटाते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो फोर्स है ये फोर्स भी कम हो जाएगा, दोनों फोर्स यहां पर कम हो जाएंगे। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये चार्ज Q2 के भी प्रोपोर्शनल है। सो यहां पर ये जो फोर्स है ये फोर्स Q2 के भी प्रोपोर्शनल है। Q2 बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा और Q2 घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। तो हम इन दोनों को एक साथ कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये फोर्स प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के। अब देखिए आप यहां पर ये जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेज के बीच में, अगर हम इसे कम कर देते हैं, अगर हम इसके करीब ले जाते हैं, तो अब देखें ये जो डिस्टेंस है ये घट गया।
जब डिस्टेंस घट गया तो ये जो फोर्स है यहां पर, ये फोर्स यहां पर बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम इस चार्ज को जो है यहां से दूर ले जाते हैं, अर्थात यहां पर इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसे हम बढ़ा देते हैं, अगर हम दूर ले जाएंगे तो अब आप देखें तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ गया। तो जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उस केस में ये जो फोर्स है यहां पर इनके बीच में ये जो एक्ट कर रहा है ये फोर्स घट जाएगा। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स एफ, ये जो फोर्स है एफ, ये जो है यहां पर इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं इन सबको देखते हुए कि ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है यहां पर ये दोनों जो चार्ज है Q1 इंटू Q2 के, और फिर डिवाइडेड बाय हम कहेंगे कि यहां पर इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है वो जो है वो दोनों चार्ज के Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के जो है प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहां से हम आगे क्या लिख सकते हैं, आगे यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये हम यहां पर जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से हटाएंगे तो यहां पर हम इक्वलिटी साइन यूज करेंगे, तो एज यूजुअल जो है हमें यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा, जिसे कि हम यहां पर के से जो है डिनोट कर रहे हैं। तो ये बराबर होगा यहां पर फोर्स इक्वल टू के, फिर यहां पर Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो R है इसका स्क्वायर। यहां पर ये जो आपको K दिख रहा है इसे कहा जाता है कूलम्स कांस्टेंट, यहां पर ये है कूलम कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है, ये जो दो चार्जेज रखे गए हैं इनके बीच का ये जो मीडियम है इस पर डिपेंड करता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो हमने चूज किया है, जो मीडियम यहां पर चूज किया है वो एयर या वैक्यूम है, ये ध्यान रखें। सो यहां पर ये जो मीडियम है ये है एयर या वैक्यूम। तो इस तरह के केस में जब एयर या वैक्यूम होगा तो यहां पर ये जो के है इसे हम एक दूसरे टर्म से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर इस तरह के केस में जब एयर या वैक्यूम होगा तो हम यहां पर ये जो के आपको दिख रहा है इस के को लिखते हैं कि ये बराबर है 1/4πε0। तो अब जो है यहां पर ये जो टर्म है इसे हम के जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हम इस पर आगे बात करेंगे। तो फिर हम यहां से आगे लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0, फिर यहां पर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो R है इसका स्क्वायर। तो ये जो है ये है कूलम्स लॉ। अब हम बात करेंगे यहां पर ये जो आपको दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट, जिसे कि हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। सो यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जो वैल्यू होता है ये बराबर होता है 8.854 इंटू 10^-12, और इसका जो यूनिट होता है वो जो यूनिट है उसे हम यहां पर इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो आपको एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है इसे हम एफ के जगह पर भेज देंगे और इसके जगह पर हम एफ को भेज देंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिट होगा यहां पर तो एफ हो जाएगा,
तो 1 अपॉन एफ, क्योंकि 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, तो 1 अपॉन एफ, तो एफ का जो यूनिट है यह है फोर्स, तो यहां पर इसका यूनिट होगा न्यूटन, और न्यूटन को हम ऊपर करेंगे तो यह होगा एन का पावर माइनस वन। सो यहां पर यह हो गया एन का पावर माइनस वन। और फिर यहां पर देखें तो Q1 का जो यूनिट है यह है कूलाम, और Q2 का जो यूनिट है यह भी है कूलाम, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो यह होगा कूलाम स्क्वायर। और फिर ये जो R है यह क्या है, यह है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, और यह ऊपर जाएगा तो यहां पर होगा मीटर का पावर माइनस टू। इसी को हम सजा करके कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह जो यूनिट होगा, ये जो यूनिट होगा यहां से हम कह सकते हैं इसका जो यूनिट होगा यही से हम कह देंगे सजा करके कि कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया यहां पर इसका एसआई यूनिट, इस एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। यहां से हमें इसका वैल्यू पता चल गया है इस एप्सिलॉन नॉट का, तो हम यहां से बड़े ही आसानी के साथ ये जो के है इसके भी वैल्यू को पता कर सकते हैं जो कि है कूलाम्स कांस्टेंट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा 1/4 इनटू पाई की जगह पर हम लिख सकते हैं, पाई की जगह पर हम लिख सकते हैं 3.14 इनटू यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसके जगह पर जो है हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि है यहां पर 8.854 इंटू 10^-12, ये हो गया। और अगर हम इसका यूनिट जो है यहां से लिखते हैं, अगर हम यहां से लिखते हैं जो कि है यहां से हम कह सकते हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो फिर अगर आप इसे कंप्यूट करेंगे, आप अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये जो है ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 9 × 10^9 के। और अगर इसके यूनिट की बात करें तो ये जो टर्म है ये ऊपर चला जाएगा, इसी का उल्टा होगा यूनिट, मतलब ये है कि एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा उसका रेसिप्रोकल इस कूलाम्स कांस्टेंट का होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट होगा एसआई यूनिट इस कूलाम कांस्टेंट का, सो इसका जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो तो ये है 9 × 10^9, तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो इसी का रेसिप्रोकल होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये हो गया यहां पर इस कूलाम कांस्टेंट का एसआई यूनिट। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जो है हम कूलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे बात करेंगे। ये तो स्केलर फॉर्म है, ये सिर्फ जो है यहां पर ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसके सिर्फ यहां पर मैग्नीट्यूड को बता रहा है ये फार्मूला। अगले वीडियो में हम इसके वेक्टर फॉर्म पे बात करेंगे जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।